Yes, students. So, very good afternoon to all of you. और आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग बेसिकली क्रीम देखेंगे कि कैसे क्रीम, अगर सपोज अगर हम लोग ऊपर से अगर कोई एलिमेंट में क्रीम अगर ऐड करना है तो क्रीम कैसे ऐड कर सकते हैं, आज हम लोग वो देखेंगे. ओके, तो हम लोग ने प्रीवियस सेशंस में हम लोग ने वाटर्स का देखा था और ऐसे हम लोग अलग अलग टॉपिक्स बेसिकली कवर करते रहेंगे. आज का मेन है कि जैसे कि लेट्स से कि अगर हम लोगों के पास में कोई चॉकलेट है और लेट्स से केक है और उसके ऊपर अगर हम लोगों को क्रीम ऐड करना है, ठीक है, तो वो क्रीम कैसे ऐड करते हैं आज के सेशन में हम लोग देखेंगे. तो काफ़ी कुछ है उसमें कि जैसे कि आपको अगर लेट्स से कि अगर वाटर भी अगर उसमें अगर ऐड करना है, वाटर देख सकते हैं, अगर हनी ऐड करना है, सॉलिड थिक क्रीम होगा तो वो कैसे होगा, तो वो सारे एग्जांपल्स आज हम लोग कवर करेंगे. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक बेसिक मैं डस्क ले रहा हूं, नीचे सरफेस क्लेंजर, थोड़ा सा उसका रेडियस मैं इंक्रीज कर रहा हूं, सब डिविजन्स बढ़ा दे रहा हूं मैं 5, और यहां पे मैं इसका जो ग्रीड है ग्रिड ऑफ कर देता हूं और एक बेस सरफेस जिसके ऊपर एग्जैक्टली वो क्रीम फ्लोट करेगा वो हम लोग बना देते हैं. यहाँ पे एक स्पियर, एक कोन, ओके, और तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे जस्ट ड्रॉ कर लिए हैं और फॉर्म कर लिया है. तो ये बेसिक शेप्स के ऊपर हम लोग देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. सिंपल ऐड कर रहा हूं, थोड़ा नजदीक जाते हैं यहां पे और इसमें भी थोड़ा सा इसको अपग्रेड करना है, थोड़ा सा एक्सेस यहाँ पे स्मूदिंग के लिए इंक्रीज कर ले रहा हूँ और इसका जो टॉप सेक्शन है यहाँ पे सब डिविजन हाइट ये इंक्रीज कर रहा हूँ मैं और जस्ट यहाँ के जो वर्टेक्स है उसको सिर्फ नीचे की तरफ ये कर ले रहा है. फ्लैट सरफेस टाइप ओके. वंस माय मॉडल इज रेडी, इसे हम लोग सेव कर लेते हैं और आज है 10, हम लोग एक 10 तारीख का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और आज के डेट पे हम लोग इसे सेव कर लेते हैं. 10, 8, 20, 21 ओके और यहाँ पे एक चीज और करेंगे हम लोग, इसका और एक बैकअप कर लेते हैं बी और बिफोर स्टार्टिंग जितने भी हम लोग के मैश हैं यहाँ पे सबको क्लीन अप कर लेंगे. एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री और इसका कंपलसरी फ्रीज कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशंस अगर सिंगल ऑब्जेक्ट्स हैं तो. क्लीन हो चुका है और तुरंत एफएक्स सेक्शंस में एंड क्लॉज में पैसिव कोलाइडर ताकि जो भी पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर इजीली कोलाइड हो जाए और सिंपल मैं एंड पार्टिकल्स में जाऊंगा और यहाँ पे एक हम लोग का मेन सोर्स है जहाँ से हम लोगों का क्रीम फॉर्म होगा वो हम लोग फॉर्म कर लेंगे. मैं क्रिएट एमिटर ले रहा हूँ और जो भी कुछ है यहाँ पे मैं इसको रिसेट कर रहा हूँ. तो बेसिकली आपको यहाँ पे एमिटर टाइप में वॉल्यूम लेना है. वॉल्यूम मीन्स अ डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डेंस में दिखाना है तो आपको वॉल्यूम लेना होगा. तो डेंसिटी होती है सैंड में, वाटर में, हनी में, तो जिस चीज में भी डेंसिटी है अगर वैसा कुछ आपको शो करना है तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम लेना होगा. तो हम लोग आज यहाँ पे कुछ हनी काइंड ऑफ स्टफ चेक करेंगे, हनी और क्रीम. ओके,
तो ये मैं ले रहा हूँ, और स्केल रेट बाय ऑब्जेक्ट साइज एक्टिवेट करने से वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ओके और बाकी सब सही है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्यूब, इंस्टेड ऑफ क्यूब हम लोग स्पीयर लेंगे, और जो डिफॉल्ट है जस्ट मैं अभी उसके ऊपर ही जा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों को अवे फॉर्म सेंटर यहाँ पे नेगेटिव वन करना है, लेकिन पहले आपको दिखाता हूँ कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं जस्ट डिफॉल्ट पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बाद में चेंजेस करूंगा। और मेरा यहाँ पे स्पीयर रेडी है। और यहाँ पे मैं जस्ट टाइप करता हूँ स्पाइरल, थ्री हाइट थोड़ा ज्यादा रखता हूँ, फाइव नंबर ऑफ राउंड बी फाइव, एंड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इसे जस्ट एंटर कर रहा हूँ। तो मेरा एक स्पाइरल रिंग रेडी है यहाँ पे। तो बेसिकली जिसके ऊपर मैं कनेक्ट करके उसे एनिमेशन के लिए रेडी करूंगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे एक सिंपल इसको स्केल अप कर रहा हूँ इस तरह से। ओके और स्केल अप करके मुझे किस तरह से उस क्रीम को प्रेजेंट करना है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट इसको इसके सेंटर में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके और वंस इट इज रेडी, मुझे इतना ज्यादा राउंड्स नहीं चाहिए, लाइक दो तीन राउंड्स चल जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग और श्रिंक कर लेता हूँ डेटा को ऐसे, और तीन राउंड सफिशिएंट। और यहाँ पे बीच में हम लोग इसे एडिट पॉइंट के अंदर जहाँ से भी मुझे ब्रेक करना है उसे मैंने सेलेक्ट किया है, और मॉडलिंग सेक्शंस के अंदर आके कर्व में हम लोग यहाँ पे इसे बेसिकली डिटैच कर देता है। तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग अपर सेक्शन में बेसिकली डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसे कनेक्ट करूँगा और वो घूमेगा, लेकिन ऐसा स्ट्रेट नहीं चाहिए, बेसिकली वो टॉप सेक्शंस उसका हम लोगों को बेसिकली अंदर की तरफ ये करना। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो मैं अभी मॉडलिंग सेक्शंस के अंदर ही हूँ, मैं जस्ट डिफॉर्म में जाऊँगा नॉन लीनियर के अंदर। यहाँ पे फ्लेयर लेना है, तो मुझे इस तरह का बेसिकली शेप देना है, तो मैं फ्लेयर लूँगा। और फ्लेयर में यहाँ पे आपका ये जो है स्टार्ट फ्लेयर और ये है, तो यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से, आपको इसको कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो या वाइस वर्सा या इस तरह से कर सकते हो, आइदर ऑफ द वन। ओके और यहाँ से लो बाउंड हाई बाउंड को और ये चेक कर लो कितना उसको अफेक्ट कराना। यहाँ पे एकदम मुझे शार्प चाहिए पॉइंट एंड पॉइंट, थोड़ा सा मैंने उसे नीचे रख लिया है। और यस ओके तो मेरा बेसिक शेप यहाँ पे ये रेडी है। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे पाथ से। हम लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, एनिमेशन बहुत टाइम लग सकता है, इसके लिए मैंने जो स्पाइरल ऐड कर लिया है। अगर आप लोगों को स्पाइरल डिफिकल्टी हो रही है और नहीं कनेक्ट करना है, तो आप लोग मैनुअल एनिमेशन भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। ओके मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी से जस्ट सिंपली कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, यहाँ पे मेरा जो एमिटर है, मेरा कर्व सिलेक्ट किया है मैंने, शिफ्ट प्रेस करूँगा दोनों को सिलेक्ट करने के लिए, दोनों सिलेक्टेड है। और आई हैव टू गो टू रिगिंग कंस्ट्रेंट और मोशन पाथ अटैच कर लेंगे। और कितने फ्रेम का चाहिए, तो अराउंड मुझे हम लोग स्टार्ट और एंड डिफाइन कर लेंगे। तो लेट्स से मुझे अराउंड 5, 4, 5, 6 सेकेंड का चाहिए, तो मैं एंड फ्रेम यहाँ पे 150 रखूंगा। 6 सेकेंड में फॉर्म होना चाहिए आराम से, कोई घाई नहीं है, क्रीम है ना आराम से निकलेगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं है वाटर जैसा एक बार में स्प्लैश हो जाएगा 2-3 सेकेंड में। तो
आराम से सर 6 सेकंड में आराम से हम लोग फॉर्म करेंगे, तो जस्ट मैं अटैच कर दे रहा हूँ और अराउंड में ऐसे 300 फ्रेम का रखता हूँ, तो सिंपल देख सकते हैं कि वो अटैच हो चुका है। और यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ग्रेविटी कनेक्टेड है और हम लोग ने ऑलरेडी ये रखा हुआ है, नीचे पैसिव कोलाइडर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अराउंड 150 पे ये हो जा रहा है, वो फॉर्म हो जा रहा है। और जब ये एंड हो रहा है एमिटर का, जो 150 पे जब इसका ये करना है मुझे, लाइक फॉर्म हो चुका है पूरा वो, तो यहाँ पे मुझे उसे बेसिकली एंड करना है, एमिटर का जो पार्टिकल हो रहा है पार्टिकल को एंड करना है 150 फ्रेम पे। तो सिंपल उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मेरा रेट है इसके साथ में वी कैन प्ले, तो अराउंड 150 तक मुझे चाहिए कि फॉर्म हो, या 149 तक फॉर्म हो, या 150 तक, तो लेट्स से 150 तक मुझे चाहता हूँ कि फॉर्म हो। तो यहाँ पे रेट पे आके मैं यहाँ पे की सिलेक्ट कर लूँगा, की सिलेक्टेड, जस्ट की सिलेक्ट कर दूँ और तुरंत नेक्स्ट फ्रेम के बाद में मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जा रहा हूँ 151 पे, यहाँ से मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे जीरो कर दे रहा हूँ। मेरा ऑटो की ऑलरेडी ऑन है, या राइट क्लिक करके वापस से की सिलेक्ट कर लेना। और अगर मैं अभी प्ले करके चेक करूँ तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर फ्रेम के बाद में वो बेसिकली एंड हो जाएगा। सिंपल जस्ट एंड हो गया उसका। नेक्स्ट इसका जो विजुअल प्रेजेंटेशन है हम लोग को स्पीयर में देखना है ताकि समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो मैं पार्टिकल सिलेक्ट करके यहां पे जो उसका शेडिंग है, शेडिंग के अंदर इंस्टेड ऑफ पॉइंट वी गोइंग टू टेक सिंपल स्पीयर्स ले लेंगे, उससे एक आइडिया आ जाएगा आप लोगों को क्या चल रहा है। यू कैन सी कि क्या चल रहा है जो अभी तक हम लोग ने किया, बेसिकली ये वाटर जैसा पूरा का पूरा बेसिकली स्प्रेड हो जा रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं एक ऑप्शन एक्टिवेट करूंगा और बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेगा, जो इतना स्प्रेड हो रहा है ना तुरंत कंट्रोल में हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन है, एमिटर के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, एमिटर के अंदर हम लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे जो मैंने छोड़ दिया था, ये अवे फॉर्म सेंटर, तो यहाँ पे जस्ट इसको मैं -1 कर रहा हूँ और इसी से आपको बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेगा, लाइक कि पार्टिकल काफी रेगुलेट हो जाएंगे काफी हद तक, एटलीस्ट गिरते टाइम पे तो रेगुलेटेड ही है। ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, तो काफी पार्टिकल रेगुलेट हो चुके हैं और हम लोग का आज का एम है क्रीम और बेसिकली हनी कुछ ट्राई करने के लिए, या तो लिक्विड चॉकलेट समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट थोड़े पार्टिकल्स में चेंजेस करेंगे, लेकिन उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि पार्टिकल्स के ऊपर बेसिकली स्टिक हो चुके हैं हर एक सरफेस के ऊपर, तो जो भी मेरे रिजिड बॉडीज हैं यहाँ पे, तो देखोगे कि ये मेरा सारे जो भी रिजिड बॉडीज हैं, सारे रिजिड बॉडी में आपको यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो, और अभी हम लोग को फिलहाल स्टिकीनेस देखना है, तो सब पहले तो उसके ऊपर स्टिक हो जाए, तो यहाँ पे मैं सबके अंदर स्टिकीनेस बढ़ा दे रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी बेसिक वैल्यू ऑफ 0.3, सबको मैं 0.3 कर दूँ ताकि सारे सरफेस पे वो स्टिक हो जाए। 0.3 सिर्फ स्टिकीनेस देखना है अभी, बस 0.3, और यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ 0.3 लेकर रहा हूं, जस्ट चेक करते हैं कि वो उसके ऊपर स्टिक हो रहा है सरफेस के ऊपर। यस, सरफेस के ऊपर स्टिक हो जा रहा है, एटलीस्ट फॉल डाउन बहुत रेयरली फॉल डाउन हो रहा है इसका। दूसरा हम लोग को एक्टिवेट करना है फ्रिक्शन, जिससे वो थोड़ा सा और उस जगह पे डेंस हो जाए और आपस में इंटरेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे इसके जस्ट सबको मैं 0.5 कर दे रहा हूँ, सबको, मेरा पार्टिकल से लेके सारे ऑप्शंस के यहाँ पे हम लोग अभी 0.5 कर दे रहे हैं। इवन पार्टिकल्स के अंदर भी जाके आपको ये ऑप्शन एक्टिवेट करना है, एंड पार्टिकल्स में जाके जो आपका यहाँ से फ्रिक्शन और स्टिकीनेस है, तो यहाँ पे मेरा
फ्रिक्शन 0.5 और स्टिकनेस 0.3 एक्टिवेट करना। पार्टिकल में भी वो पावर होना चाहिए कि वो स्टिक हो सके सरफेस का। तो बेसिकली प्रॉपरली क्रीम जैसा वो रिएक्ट करना शुरू कर दिया उसने। सिंपल, एक जगह पे स्टिक हो चुका है क्रीम जैसा, स्प्रेड नहीं हो रहा है। सिंपल, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं किया है, सिंपल सिर्फ फ्रिक्शन और स्टिकीनेस पे खाली काम किया हुआ है बस। और आप लोग देख सकते हो कि पूरा जो ड्रास्टिक रिजल्ट है आप लोग का डायरेक्टली स्टार्ट हो चुका है लाइक बिना किसी इसके। बट हम लोग और काफ़ी इसमें और एट्रीब्यूट्स और काफ़ी कुछ अभी एक्स्ट्रा इसमें ऐड करने वाले हैं ताकि इसको एक स्मूथ अच्छा फ्लो भी मिले, थोड़ा 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 वो और ज़्यादा ऑर्गेनिकली बेसिकली रिएक्ट और बिहेव कर सकते। तो देखते हैं कैसे कर सकता है वो, थोड़ा इसमें और हम लोग आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग आज डिस्कवर करेंगे लिक्विड सिमुलेशन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिक्विड सिमुलेशन बटन ऑन करूँगा, ये जैसा वाटर रिएक्ट करता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो विस्कोसिटी है, यहाँ पे अगर देखोगे विस्कोसिटी इज़ 0.1 0.1 में बेसिकली वो वाटर जैसा रिएक्ट करेगा, छोड़ देगा प्रॉपर जैसा पानी को होना चाहिए। लेकिन देख रहे हो कि कितना डेंस हो चुका है, लाइक एक के ऊपर एक वो ये हो रहा है, क्योंकि हम लोग का स्टिकी फीचर्स भी ऑन है। सिंपल है, यहाँ पे मेरा विस्कोसिटी 0.1 है और 0.1 में वो पूरा स्प्रेड हो चुका है। बट हम लोग को बेसिकली वाटर नहीं चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग लाइक हनी और डेंस लिक्विड सर्फेस लाइक चॉकलेट सीरप, तो यहाँ पे विस्कोसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर वन करूँगा तो वैसा वो हनी जैसा हो जाएगा, हनी जैसा डेंस हो जाएगा। तो यू कैन सी कि वो हनी जैसा डेंस हो जाएगा और जैसा रिएक्ट होना चाहिए वैसे वो उसका रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल। फिर यहाँ पे हम लोग का है लिक्विड रेडियस स्केल। अभी काफ़ी अभी यहाँ पे भी देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग और कंट्रोल करने के लिए, जो ये स्प्रेड हुआ है यहाँ पे लिक्विड रेडियस स्केल है, यहाँ पे इससे मैं जस्ट 0.5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा और रिड्यूस करेंगे तो देखते हैं 0.5 पर कैसा रिएक्ट करेगा वो। दिख रहा है काफ़ी ऐसा सोबर हो चुका है वो, जैसा लिक्विड होना चाहिए। देखा एकदम परफेक्टली सरफेस के ऊपर सरफेस फ्लो हो रहा है, एकदम परफेक्टली देखा लिक्विड के ऊपर एकदम लिक्विड फर्स्ट क्लास फॉर्म हो रहा है, बहुत अच्छा आउटपुट मिल रहा है। तो दिस इज फाइन फॉर मी। तो यहाँ पे हम लोग और एक जो इससे मैं लेस से सिर्फ 30 कर रहा हूँ वैल्यू को, थोड़ा मैं बढ़ा दे रहा हूँ कि पार्टिकल को थोड़ा सा और इन्हांसमेंट देगा। एक के ऊपर एक दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे थोड़ा सा से और पूरा उसका दुनिया चेंज हो चुका है, थोड़ा सा उसे और यूनिकनेस ला के उसने दे दिया उसे। मैंने मैक्सिमम वैल्यू पे गया था, मैं अभी इसे कम कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो यहाँ पे है इनकम्पैरिसिबिलिटी, मतलब वो किस तरह से है ना, बेसिकली जो कंप्रेस करेगा पार्टिकल्स को आपस में एक दूसरे के साथ में ना, पूरा बंच होके पार्टिकल्स जो गिर रहे थे, दैट इज इन कंपैरिसिबिलिटी, बेसिकली कंप्रेस करेगा वो। विस्कोसिटी 0.1 दिस फॉर योर बेसिकली वाटर सिमुलेशन, और 1 अगर करोगे तो ये आपका हनी जैसा बिहेव करेगा। उसे और हम लोग डेंस कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। 30 से हम लोग थोड़ा सा से और कम करें, 10 पे लेके आ रहे हैं। तो जो पार्टिकल को कंप्रेस करेगा थोड़ा सा और कम कर दिया हम लोगों ने। तो डिपेंड करेगा कि आपको एग्जैक्टली किस तरह से क्या आउटपुट अचीव करना है, पूरा आपके हाथ में कंट्रोल है, लाइक यू हैव टू जस्ट प्ले विद द वैल्यू। ओके ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और कंट्रोल करने के लिए आगे जाने के पहले यहाँ पे और एक है कि जो विस्कोसिटी के अंदर है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो वो बेसिकली अगर हम लोग उसे मैच में बाद में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली किस तरह से वो बिहेव करेगा, यहाँ से भी थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 1 करूँगा तो वो वापस से उसको और बेसिकली स्प्रेड कर देगा,
हायर वैल्यू नहीं रखना हम लोगों को, ये बहुत और अजीब सा कर देगा। हम लोग को जस्ट 0.001 रखना, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ पे हायर वैल्यू पे कि वो थोड़ा सा और अजीब सा आपका वो हो सकता है रेसिस्टेंशन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़े थोड़े वैल्यूज से, तो यहाँ पे से 0.2 कर रहा हूँ और यस तो 0.2 इज फाइन फॉर मी, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को और अगर कंट्रोल करना है तो और कंट्रोल करने के लिए मुझे मेरा जो ड्रैग फील्ड है वो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं ड्रैग फील्ड नहीं ले रहा हूँ, डायनामिक प्रॉपर्टीज की खुद की है, तो यहाँ से ही मैं इसको जस्ट ड्रैग फील्ड एक्टिवेट करता हूँ 0.1 का, तो बहुत ड्रास्टिकली वो सबको ओवरऑल कंट्रोल करेगा। लाइक जो थोड़ा बहुत भी जो भी स्प्रेड हो रहा है ना वो इतना नहीं होगा, पार्टिकल को बेसिकली कंट्रोल में रखेगा, जो थोड़ा बहुत भी जो स्प्रेड हो रहा था ना वो नहीं हो पाएगा, बेसिकली कंजर्व करके रख लेगा। इतना एकदम स्मूथली वो रिएक्ट करेगा जैसा एक्चुअली होना चाहिए, तो कंजर्व भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इसमें। और यस तो यहाँ पे हम लोग ने अगर सपोज थोड़ा सा बाउंस करना है, लेकिन यहाँ पे ड्रैग की वजह से बाउंस भी नहीं करेगा तो ठीक है। नेक्स्ट जो आपका विस्कोसिटी है, आपका जो न्यूक्लियस का ये सब स्टेप्स है उसके साथ में बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। तो लेट्स से सपोज मैंने इसे सब स्टेप्स को मैंने इंक्रीज करके 5 कर दिया, तो बेसिकली सॉल्वर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपका ये जो डायनामिक एनिमेशन है थोड़ा सा और ड्रामेटिक हो जाएगा, मतलब और रिफाइंड हो जाएगा। कोलिजन जो हो रहा है इसका जो अल्टरेशन है इसे भी आप लोग इनहांस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हल्के चेक कर सकते हो। काफ़ी कंट्रोल्ड होके गिर रहा है, काफ़ी कंट्रोल्ड होके, बट इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छे से कभी कोई काम नहीं होता है, तो थोड़ा सा मुझे इसमें और वेरिएशन चाहिए डेफिनेटली। तो पार्टिकल्स के अंदर वेरिएशंस के लिए हम लोग हर टाइम एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ माय गैस वॉट टर्बुलेंस। ओके तो टर्बुलेंस के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे एटेन्यूएशन 1 और मैग्नीट्यूड 15 और क्रिएट कर लेता है इसे, और थोड़ा सा इससे हम लोग यहाँ पे जो कैमरे के सामने थोड़ा मुझे वेरिएशन दिखना चाहिए पार्टिकल के अंदर, इतना अच्छे से होना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा तो वेरिएशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो है ना, थोड़ा तो दिखना चाहिए कि कुछ तो ये हो रहा है, इतना स्टैटिक मज़ा नहीं आ रहा था, थोड़ा पार्टिकल्स के अंदर हल्का हल्का मोशन है जब वो गिर रहा था, इट्स वेरी माइन्यूट, दैट इज फाइन फॉर मी। लास्ट में दिख रहा है कैसे वो जमाओं के पार्टिकल एंड हो रहा है, इट्स गोइंग वेरी ऑसम। ओके दिस इज फाइन, और वंस अगेन हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं एमिटर के अंदर, दिस इज फाइन एक्चुअली, पार्टिकल शेप 1 में सरफेस टेंशन रेस्ट डेंसिटी ये परफेक्ट होता है, दो के साथ में नॉर्मली आपको प्ले करना होता है। लिक्विड रेडियस स्केल प्रोसेस को और कम करके भी आप लोग चेक कर सकते हो, तो बहुत और ऐसा बेसिकली कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रैक्ट होके वो बहुत एक तीन लाइन जैसा वो एकदम ऐसा गिर सकता है एकदम, बहुत ज़्यादा अगर इसको और ये करना है, बट दिस इज टू लेस, और अगर मैं वन करूँ तो इट इज़ टू हाई, लाइक डिपेंड्स कि आपको एग्जैक्टली क्या दिखाना है, ऐसा फॉर्म जैसा कुछ दिखाना है, फॉर्म गिर रहा है पार्टी वर्टी के लिए, तो दिस इज योर फॉर्म, तो मेरा क्योंकि वो स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा वैसे, और क्रीम जैसा दिखाना है तो मैं 0.5 कर दूंगा, दिस इज लाइक अ फॉर्म हम लोग पार्टी में स्प्रेड करने के लिए जैसा यूज कर सकते हैं, और इससे अगर मैं 0.5 कर दूँ तो प्रॉपर आपका जैसा क्रीम होना चाहिए क्रीम जैसा वो सिस्टमैटिकली रिएक्ट करेगा।
100 इज बेसिकली टू लेस, हम लोगों को होना चाहिए 500, 1000, बट फिर भी थोड़ा सा मैं इससे और बुरा था, मैं एटलीस्ट 100, 200 तक हम लोग ट्राई करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा और अभी आगे बढ़ाऊंगा वैल्यू को। हम लोग जा रहे हैं सी पे, अगर सिस्टम अगर क्रैश होता है तो वी हैव बैकअप, तो मैंने पहले बैकअप कर लिया है। और यस, एमिटर के अंदर जाके हम लोग चेंजेस करेंगे इसे, और एमिटर के अंदर चले जाते हैं, और जो 150 पे हम लोग का 100 है उससे मैं 300 कर रहा हूँ। लेट्स प्ले एंड चेक व्हाट हैपेंस। तो दिस इज फाइन, थोड़ा डेंस हो चुका है, और थोड़ा और मैं बढ़ा सकता हूँ। एक्चुअली मैं, मेरा सिस्टम इतना सपोर्ट कर रहा है तो थोड़ा मैं और आगे जा सकता हूँ। मेरा ऑटो की ऑलरेडी ऑन है, तो यू कैन एंजॉय दिस थोड़ा और डेंस के साथ में, यू कैन एंजॉय दिस नाउ। तो थोड़ा सा इतना स्प्रेड हो रहा है, थोड़ा सा इसको और कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इससे मैं थोड़ा 5 कर लेता हूँ, दिख रहा है। और जितना जितना पार्टिकल डेंस हो रहा है उतना अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। ये दिख रहा है कैसे प्रॉपर लिक्विड फ्लो हो रहा है इसके ऊपर से। Amazing. This is like your honey. Chocolate syrup honey. के लिए यूज कर सकते हो सर। यस, this fine surface tension 0.2, अगर मैं इसे 0.01 करूंगा तो बहुत अलग आउटपुट देखने को मिलेगा आपको। बेसिकली हम लोग इसी के साथ में जाएंगे। यहाँ पे काफी अच्छे से काफी डेंस हो चुका है सरफेस, और इसका हम लोग एक अराउंड 300 फ्रेम का एक कैशिंग रेडी कर लेंगे, ज्योमेट्रिक कैश, और उसको हम लोग क्विकली चेक करेंगे भी। आप लोग आज तक परेशान थे ना कि कैसे फील होगा, now you know how to fill the object also। और यहाँ पे मैं इसे डी कर देता हूँ बैकअप, और इसे हम लोग वापस से डी के आगे, दिस इज माय जियो, और जियो में कन्वर्ट कर लेते हैं सिलेक्ट करके इसे पार्टिकल्स को, मॉडिफाई कन्वर्ट। आप लोग एक बार पूरा सेटिस्फाइड हो जाओगे देन यू हैव टू कन्वर्ट टू एंड पार्टिकल टू पॉलीगॉन, तब का वो इजीली कन्वर्ट हो चुका है, तो देख सकते हो एकदम। और इससे हम लोग और इनहांस और अच्छा करना हम लोग कर सकते हैं, कभी प्ले करके चेक कर लो इसे।
थोड़ा सा इसको हम लोग और सरफेस को एनहांस कर लेते हैं। तो सरफेस को एनहांस करने के लिए हम लोग को जाना होगा ज्योमेट्री आउटपुट में, दैट इज माय आउटपुट मैश, और यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल साइज रिड्यूस कर सकते हैं 0.25। इतना ड्रास्टिक चेंजेस देखने मिलेगा। थ्रेशोल्ड और कम कर सकते हैं, 0.1 है, 0.01 बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेगा, 0.1, 0.05, ओके। और ब्लॉबी सरफेस को हम लोग और डबल कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा डेंस चाहिए इस तरह से, तो या एक कंट्रोल्ड में 0.2 या तो 1.2, 1.5 रख सकते हैं। और मैश को थोड़ा सा हम लोग और स्मूदिंग ये दे सकते हैं, जिसमें मैं 2 ये दे रहा हूँ, थोड़ा सा वो स्मूद हो जाएगा, क्रूकेड एजेस बेसिकली निकल जाएंगे। और ट्राइंगल साइज में 0.2 करके और इसे और डेंस कर दे रहा हूँ, और यू कैन सी क्या हो रहा है, सी ओके। वंस अगेन 300 500 इज टू लेस, वी हैव टू गो फॉर द हायर वैल्यू ऑफ 10,000। तो ये जो सिंगल पार्टिकल डस्ट है वहां पे आपको मल्टीपल और ऐसे स्प्लैशेस देखने मिलेंगे, जो बहुत अच्छा ये रहेगा। तो फिलहाल जस्ट हम लोग अभी यहाँ पे सर ज्योमेट्री कैश जनरेट करेंगे, इसको जितने भी मैच है सब मैच को सिलेक्ट करूंगा मैं, यहाँ पे सारे मैच सरफेस को सिलेक्ट किया हुआ है, और कैश में जाके एलम्बिक कैश और एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलम्बिक। टाइम स्लाइडर 300 फ्रेम, यस फुल चाहिए हम लोगों को, और इसमें हम लोगों का ये सब ऑप्शन ऑन होना चाहिए तीनों जो हम लोग रखते हैं। और जस्ट मैं एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ, इसमें आपका यूवी राइट, वर्ल्ड स्पेस और राइट विजिबिलिटी तीनों ऑन रखना होता है, और एक्सपोर्ट सिलेक्शन करेंगे। बस टुडे 10/8/2021 और दिस इज माय वर्जन बी जियो। Done. Simply just save it. Take a new file और cash, Alembic cash सीधा import कर लो, import Alembic, और today is 10/8 आ चुका है, और 300 frames रख लेते हैं यहाँ पे, और you can see कि ये fine। यहाँ पे जो मेरा एलम्बिक कैश डेटा है स्पीड में 10 कर दे रहा हूँ उसको, स्पीड में 5 कर रहा हूँ, तो यू कैन सी बाद में भी प्ले कर सकते हो उसके साथ में। ये इतना स्लो शायद मजा नहीं आया, और एकदम स्लो जाना है तो उसको 0.2 भी कर सकता हूँ मैं, थोड़ा बोर हो जाओगे 0.5 में लगेगा कि क्या हो रहा है, 300 में भी खत्म नहीं हो पाएगा वो, ऐसा लगेगा कि कैचिंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले कर सकते हो वैल्यू के साथ में, तो मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ इसे, और 3 देखते हैं। वाओ, awesome, okay, so now we can take it to 200 frame also, तो हम लोग का काफी fast form हो जा रहा है।
अराउंड मेरा 150 फ्रेम का भी एनिमेशन होगा, 6 सेकंड का भी मुझे कोई इश्यू नहीं है। यस सेव इट। इसे हम लोग बी करेंगे और थोड़ा इसे टेक्सचरिंग और यहाँ पे इसे हम लोग दे देंगे न्यू मटेरियल और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, टेक्सचरिंग पार्ट। आर्नोल्ड एआई स्टैंडर्ड सरफेस, तो जो भी बनाना है यहाँ पे आपको, हनी और चॉकलेट और फॉर्म व्हाटएवर आप लोग वो रिप्लेस कर सकते हो। और यहाँ पे भी जो सरफेस जैसा भी रखना है तो बाकी सारे सरफेस को असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड एआई स्टैंडर्ड सरफेस। और क्या रखेंगे इसे हम लोग, रबर स्टैंडिंग मुझे अच्छा नहीं है, ठीक है इसको क्ले में कन्वर्ट कर लेते हैं फिलहाल का। और जितने भी सरफेस हैं सबको सिलेक्ट करके सेम मटेरियल दे देता हूँ, एग्जिस्टिंग मटेरियल 2, ओके। और जस्ट सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा चेंज होना चाहिए, बट वो फाइनली बाद में कवर ही हो जा रहा है, तो ठीक है थोड़ा सा इसको एक अच्छा लाइटिंग दे देते हैं आर्नोल्ड में। सेवन एक्सपोजर एच, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड एआई स्टैंडर्ड सरफेस। और बेस मैश को हम लोग कुछ सिरामिक देते हैं बेस मैश को, जस्ट एक ग्रे सरफेस। और जस्ट प्ले करके चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। Stop. So instead of form, यहाँ पे हम लोग लेते हैं honey और let's play and check this. Okay. Honey is going very well. यस खाली मैं अपना कैमरा एंगल सही कर लेता हूँ। सेव इट, तो जैसे सिंगल व्यू हम लोग रेंडर करेंगे कैमरे का।
एटलीस्ट ये इतना ठीक है अभी स्टार्ट करने के लिए। सेव इट। और यहाँ पे एक काम करेंगे, हम लोग बुक मार्क कर रहे हैं और जैसे एक न्यू बुक मार्क ले लेता हूँ मैं। और ये कंटिन्यू बुकमार्क अगर यूज करते रहना है तो सेल्फ में यहाँ पे मैं ऐसे एक एड टू सेल्फ भी कर सकता हूँ बुकमार्क को। तो मैं कहीं पे भी रहूँगा फिर ऐसे मुझे एग्जैक्टली वही एरिया को रेंडर करके चेक करना, मैं बुकमार्क एक्टिवेट कर लूँगा और यहाँ पे मैं रेंडर कर सकता हूँ। सेव कर लेते हैं और आर्नोल्ड के अंदर वैसे रेंडर करके चेक करता है। डन। 6 मिनट 11 सेकेंड फॉर अ सिंगल फ्रेम, दैट इज ऑल्सो 540 960 बाय 540। ओके, तो बेसिकली इसे आपको सेव करना है एज अ मल्टी लेयर EXR फाइल फॉर्मेट और एफएक्स सेशंस के अंदर ही आपका अगस्त टुडे इज 10th। तो इसमें मैं आज का डेट डाल देता हूँ 10/8/2021 और ये सेव कर रहा हूँ। दिस इज माय बेसिकली EXR फाइल फॉर्मेट और यहाँ पे हम लोग आके बेसिकली EXR फाइल फॉर्मेट को हम लोग फोटोशॉप में थोड़ा सा इसको और एनहांसमेंट दे देंगे, थोड़ा सा कॉम्पिंग कर लेंगे उस सर। सी दिस इज माय EXR फाइल फॉर्मेट, इसे हम लोग ओपन कर रहे हैं और एज अल्फा चैनल ले सकते हो तो ट्रांसपेरेंट ले सकते हो। तो एज अल्फा चैनल ले रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी कॉम्पिंग नहीं करना है। यू कैन सी हम लोग का 66% में आ चुका है यहाँ पे और ये आप देखोगे कि 32-bit इमेज है। बेसिकली बोर्ड में आप देख सकते हो RGB और 32-bit है और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, एक सिंपल सा एडजस्टमेंट में सिर्फ इसमें HDRI टोनिंग दे रहा हूँ और HDRI टोनिंग देने के बाद ना यहाँ पे आपका ये जो है स्टॉक फाइल एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे एज ग्लो है वो थोड़ा हम लोग कम कर देंगे। एटलीस्ट हम लोगों को एक हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट मिल चुका है और यहाँ से इसको हम लोग पूरा ये कर सकते हैं। आप लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो कि कैसा चाहिए आपको, एक फ्लैट ले सकते हो स्टार्टिंग में और फिर इसी को और इन्हांसमेंट दे सकते हो। ये देखो बिफोर ऐसा लग रहा है कि पूरा अंधेरा था यहाँ पर, दिख रहा है 32-bit कलर में कितना कलर इन्फॉर्मेशन था। और पहला तो ऐसा देखिए लग रहा था कि काफ़ी ये अच्छा रहेगा लेकिन यू कैन सी कि लाइट की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे गामा एक्सपोजर और शैडो हाईलाइट थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ, वाइब्रेंस सैचुरेशन थोड़ा मैं और बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे इसका, थोड़ा हानि के लिए थोड़ा वाइब्रेंस बढ़ा सकता हूँ। डिटेलिंग हम लोग इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं यस बट ठीक है। यहाँ पे मैं से जो डिफॉल्ट वैल्यू है 0 वही रख रहा हूँ। एक्सपोज ओवर एक्सपोज नहीं करेंगे, जस्ट 0.1 0.1 ओके। तो दिस इज फाइन फॉर मी और इसी को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस देख लेते हैं। एक्सपोर्ट प्रेफरेंसेस
जेपैक कर लेता हूँ 100% क्वालिटी में, ओके। और फिर यहाँ से आके आप इसको एक्सपोर्ट करो, ऐसे एक्सपोर्ट एस, यहाँ पे भी इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है जेपैक 100%, यहाँ पे भी आके कर सकते हैं और 1x पे करेंगे और एक्सपोर्ट आज की डेट में जस्ट एज अ जेपैक फाइल सेव कर लेता है। यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे अगर हम लोगों को इसमें कुछ भी चेंजेस करना है और कुछ भी इफेक्ट्स ऐड करना है, तो वो यहाँ से हम लोग इजीली ऐड कर पाएंगे। मिनिमाइज कर रहा हूँ सर, बंद, फ्रेम रेट से बाहर, सेफ। और एक बेसिक यहाँ पे मैं प्ले ब्लास्ट लूंगा, तो 5, 6, 7 हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे, और इसे मैं थोड़ा सा एक अलग रिसेट्स में जस्ट बेसिक सिरामिक ले रहा हूँ, ओके। और जस्ट फॉर दी प्ले ब्लास्ट पर्पस, और एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर में भी एक एटमॉस्फेयर ऐड कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से, ताकि हम लोगों को यहाँ पे एक कुछ अच्छा कुछ दिखाई दे। और इंटेंसिटी में यहाँ पे 0.2 कर दे रहा हूँ, प्ले ब्लास्ट पर्पस के लिए। यहाँ से इसमें हम लोग जो एंटी अलाइजिंग है, मैं भी सैम्पलिंग ऑन कर रहा हूँ, और एम्बिएंट ऑक्लूजन जो डेप्थ के लिए हम लोग यहाँ पे लगेगा वो एक्टिवेट कर दे रहा हूँ, और इसका रेडियस हम लोग कम कर दे रहे हैं, इतना डेंस नहीं चाहिए रेडियस, बस लिमिट कर दे रहे हैं उसे। अमाउंट सही है, फिल्टर में इसका हम लोग ये नंबर और बढ़ा सकते हैं। हार्डवेयर फॉग ऑन कर लेता हूँ, सॉरी मोशन ब्लर एक्टिवेट हो गया, यहाँ से मैं इसका हार्डवेयर फॉग जो है वो भी ऑन कर सकता हूँ, शेडिंग हार्डवेयर फॉग एक्टिवेट कर लेता हूँ और चेक इट आउट कि कितना चाहिए। एक्सपोनेंशियल ले सकता हूँ मैं, और डेंसिटी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं ओवरऑल एक्सपोनेंशियल का, बट आई थिंक हम लोग लीनियर में जाते हैं, यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। और यहाँ पे ये सबको मैं हाइट कर रहा हूँ, एक काफ़ी फ्लैट हो जा रहा है हाइट करने पे, ये दैट इज रिक्वायर्ड कंट्रोल जेड, थोड़ा डेप्थ के लिए रिक्वायर्ड है। और एक बेसिक कैमरा एनिमेशन, फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता है, चेक इट आउट। सरफेस से बाहर कर दे रहा हूं ताकि वो ब्लैक पैचेस नहीं दिखाई दे, सेम टाइम उन लोगों को डेप्थ देखने के लिए मिले।
और ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक टर्न टेबल रेडी कर लेता हूँ अराउंड लेट्स से 150 फ्रेम का ही, 150 फ्रेम का क्लॉकवाइज एक टर्न टेबल रेडी कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, इसके अराउंड वो टर्न टेबल एक न्यू कैम ऐड हो जाएगा टर्न टेबल का और कनेक्ट भी हो जाएगा। और अगर मैं प्ले करके चेक करूँ तो हम लोग पूरा एक 360 डिग्री यहाँ पे हम लोग पास का रोटेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो देखने में काफी डिसेंट तरीके से अच्छा लगेगा देखने में। ओके ओके। और नो स्पेक्युलरिटी, यस ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली, सबसर्फेस नॉट रिक्वायर्ड, एमिशन यस, आई वांट अ फ्लैट सरफेस, दिस टू गिव अ फॉर्म काइंड ऑफ इफेक्ट। थोड़ा ज्यादा हो गया, यस सही है। और इसका एक प्ले ब्लास्ट रेडी करेंगे और जस्ट मेक श्योर कि कुछ सिलेक्टेड नहीं है। और प्ले ब्लास्ट के पहले आपको यहाँ पे मुझे चाहिए प्ले ब्लास्ट टर्न टेबल कैमरा वन का, मैं पर्सपेक्टिव डिलीट कर दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ टर्न टेबल का चाहिए। यहाँ पे मैं फुल एच डी लूंगा, 1080 रेजोल्यूशन इंक्रीज कर देता हूँ 300 और प्ले ब्लास्ट ऑर्नामेंट्स व्यू सब ऑफ और फॉर्म रेंडर सेटिंग क्यूटी और ब्राउज करके इसे हम लोग आज के डेट में रख लेते हैं। एंड 10, 8, 20, 21 तो बेसिकली इस तरह से आपको आपके क्लाइंट को भी भेजना है, सेम वे से आपको प्ले ब्लास्ट फाइल भेजना है क्लाइंट को और एक रेंडर्ड इमेज भेजना कि दिस इज फाइनल रेंडर्ड इमेज और दिस इज हाउ इट लुक लाइक प्ले ब्लास्ट फाइल, तो दोनों बहुत जरूरी है। और आप लोग अगर सपोज फुल फ्रेम रेंडर नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट एक फ्रेम रेंडर करके इसका प्ले ब्लास्ट भी ऑनलाइन अगर अपलोड करते हो एटलीस्ट स्टूडेंट अपलोड करने के लिए, तो भी स्टार्टिंग के लिए ठीक है, आपका वर्क करेगा, वो चलेगा।